हेलो बच्चों, आज हम हिंदी एनसीईआरटी क्लास वन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका शीर्षक क्या है, लालू और पीलू। जैसे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, इसका क्या नाम है, लालू और पीलू। तो चलो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे, ठीक है। तो ये कहानी जो है एक मुर्गी की है जिसके दो बच्चे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। तो उसके जो दो बच्चे थे, ठीक है, आप सामने पिक्चर में भी आप देख सकते हो ना, नीचे मुर्गी है और उसके दो बच्चे हैं, एक लालू और पीलू। दोनों बच्चों के क्या नाम थे, सामने जब देख सकते हो, लालू और पीलू। लालू लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। तो अब मैं आपको आप लोगों को समझा देता हूँ। जो आप देख सकते हो लाल रंग की जो छोटी सी बच्ची है ना मुर्गी की, उसे उसको रेड कलर की है ना, तो वो लाल चीजें उसको खाना पसंद था जो यानी। और पीली जो येलो कलर की जो बिल्ली है, मुर्गी की जो बच्चे है ना चूजे, जो पीले कलर का देख सकते हो ना, येलो कलर का आपके स्क्रीन पर, उसे पीली चीजें पसंद थी यानी येलो चीजें। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या, जो लाल मुर्गी के जो बच्चा था उसे लाल चीजें पसंद थी, और जो येलो कलर यानी पीले रंग का जो था मुर्गी जो चूजा था उसे पीली चीजें पसंद थी। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। तो ये एक दिन की बात है। तो उस एक दिन लालू ने लालू जो रेड कलर की जो छोटी सी मुर्गी थी ना, बच्ची थी जो चूजा था वो, तो उसने पेड़ पर एक क्या देखा, लाल कुछ चीज देखी, ठीक है। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। फिर देखो लाल क्या चीज से हम लोग पढ़ लेते, देखो लालू ने उसे खा लिया। लालू को लाल चीजें पसंद थी, तो पौधे पर जब उसने लाल चीज देखी तो उसे अच्छा लगा और वो उसे क्या कर गया, खा गया। अरे ये तो लाल मिर्च थी। यानी लालू को पौधे पर जो लाल चीज दिखाई दी थी ना, वो क्या थी, वो लाल मिर्च थी, ठीक है। वो क्या चीज थी, लाल मिर्च थी। तब देखो आगे देखो क्या लिखा है, लालू की जीभ जलने लगी, वो रोने लगा। तो जैसे ही, जैसे आप लोगों को पता है, जब हम लोग मिर्चा खाते तो हमारी जीभ जलती है ना, हमें झाल लगता है, हमारी जीभ जलती है। तो उसी तरह से लालू लालू ने जब लाल चीज खाई तो उसकी जीभ भी क्या होने लगी, आपकी जलने लगी। मुर्गी दौड़ी 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 आई, दौड़ी हुई आई, ठीक है। मुर्गी जो है दौड़ती हुई वहां पर उसके सामने आ गई, दौड़ती हुई उसके सामने आ गई। पीलू भी भागा। जैसी लालू जब मिर्च खाकर जब रोने लगा, तो उस ये आवाज मुर्गी को और यानी उसकी मम्मी को और पीलू यानी उसके भाई दोनों को सुनाई पड़ता है। तो दोनों दौड़ दौड़ कर किसके पास आते हैं, लालू के पास। पिक्चर में आप देख सकते हो वो पीली, ठीक है, वहां सामने ड्राइंग पर देख सकते हो ना, उसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, वो पीले पीले गुद्दे का टुकड़ा ले आओ। अब यहाँ पर देखो पीलू भी भागा हुआ आया, और पीलू ने क्या कहा कि वो पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आओ, पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आओ। लालू ने झट दौड़ खाया, ठीक है, झट लालू ने झट गुड़ खाया, ठीक है। यहाँ पे लालू जो है, जैसे उसको मुंह जल रही थी तो उसने क्या खाने लगा, गुड़ खाने लगा। गुड़ जो क्या होता है, मीठा होता है ना। फिर देखो उसके बाद क्या लिखे, उसकी मुंह की जलन ठीक हो गई। तो जैसे ही लालू ने गुड़ खाया तो उसके मुंह की जो जलन थी वो क्या होगी, ठीक होगी। मुर्गी ने लालू और पीलू को लपेट लिया यानी अपने अंदर समेट लिया। पिक्चर में देख सकते हो लालू ने मुर्गी ने प्यार से अपने दोनों बच्चों को, लालू और पीलू को, अपने अंदर क्या कर लिया, लिपट लिया, समेट लिया ना, देख सकते हो पिक्चर में। तो इसी के साथ ये जो स्टोरी था लालू और पीलू, यहाँ पर क्या होता है, फिनिश्ड होता है, ठीक है, खत्म होता है। इस कहानी में हम लोगों ने किसका किसका स्टोरी था, एक मुर्गी की थी जिसके दो बच्चे थे लालू और पीलू। एक दिन लालू एक लाल मिर्च खा लेता है क्योंकि उसे लाल चीज पसंद थी, तो फिर बाद में पीलू से गुड़ देकर उसे क्या करता है, सही करता है, ठीक है। तो उसी से बेस्ड आप लोगों का ये एक्सरसाइज है, जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी से बेस्ड आप लोगों का ये क्या है, एक्सरसाइज है, ठीक है, सवाल जवाब आप लोगों को लिखना है। तो सामने आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कि अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीज पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिए हुए हैं, जैसे जीभ जलने पर तुम क्या करते हो, ठीक है। तो इन सभी जो क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप लोग के स्क्रीन में एक एक करके आते जाएगा, जैसे आप लोग सामने की स्क्रीन में देख सकते हो। अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते, तो पहले समझा देता हूँ आप लोगों को। लालू को लाल चीज पसंद थी और पीलू को पीली चीज पसंद थी। तो अब अगर उन लोगों को सफेद और हरी चीज पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते, हाँ उनके नाम अलग अलग होते। जैसे आप देख सकते हो सामने,
फिर देखो वो क्या क्या खाते, वो यहाँ पर सवाल थोड़ा अलग से आ सकता है कि लालू और पीलू क्या क्या खाते। चीनी, लालू देख सकते हो चीनी, चावल, ठीक है, इस तरह से चीजें खाती। आप पीलू के सामने जैसा अमरूद, मटर, धनिया, हरे चने, ठीक है, मूली, गोभी जो लालू खाता, तो ये सब जो है लालू क्या चीज खाते और पीलू क्या चीज खाते। ठीक है, लालू किस चीज पे ज्यादा खाते, चीनी, चावल, मूली, गोभी, और उसी तरह से पीलू क्या खाते, अमरूद, मटर, धनिया, हरे चने, ये सब जो है किनके थे, लालू और लालू के खाने की चीजें इधर है और पीलू के खाने की चीजें दोनों साइड में लिखी, जो आप लोगों को अपने बुक पर जो है आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को लालू और पीलू के मिले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, इसके बाद जो सवाल दिए गए हैं वो आप लोगों को सामने आप लोगों के स्क्रीन में आएगा, पर पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर वन को सवाल लिखा है, आप लोगों का कॉपी पर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू जो है फिर वो क्या क्या खाते, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको चारों जो है ऑप्शन को आप लोग को अपने बुक पर ही आप लोग को कंप्लीट करना है। ये रहा तीसरा सवाल, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई, तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने पीने से जलती है। यहाँ पे आप लोग को समझा देता हूँ कि लालू को लाल मिर्च खाने से उसकी जीभ जली थी, तो आपका जीभ क्या क्या खाने से जल सकता है। ज्यादा गर्म दूध पीने से, अगर हम ज्यादा गर्म चीज खाते तो हमारा जीभ क्या होता है, जलता है ना, दूध पीने से हमें जीभ जल सकती है। गर्म हलवा खाने से हमारी जीभ जल सकती है, ठीक है, गरम गरम सब्जी खाने से हमारी जीभ जल सकती है। ठीक है, उस तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर फोर, जीभ जलने पर तुम क्या करते हो, जीभ जलने पर सबसे पहले मैं ठंडा पानी पीता हूँ। तो इसी तरह से जीभ जलने पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ठंडा पानी पीते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को जो बुक पे लिखना है बुक पे लिखना, बाकी सभी को आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करना अगर जगह नहीं हुआ बुक पे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये स्टोरी जो है क्वेश्चन आंसर विद स्टोरी फिनिश्ड होता है। ठीक है, थैंक यू।